वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबानी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। विच ग्रह सदा रहे उदासी, ज्यों कमल रहे विच पानी है। यह नहीं कि धन दौलत पुत्र धियां परिवार नाल इन्ना प्यार वधा लईए कि परमेश्वर नूं ही भुल जाइए। इन्ना सब विच विचरदे होए इन्ना दी पकड़ नहीं रखनी। नाल नाल नाम भी जपना है, सत्संग भी करना है। ग्रहस्थी नूं दुनियावी जरूरतां नाल भी अते परमात्मक सेवा ले भी माया दी लोड़ है, पर गुरमुख इस दी पकड़ विच नहीं फसदा। ओह धर्म दी किरत करदा है अते दसवंद गुरु दे लेखे लौंदा है। माया दे मगर नहीं भजदा, बल्कि जितनी है उस विच संतोख रखदा है। अते जे सतगुरु ने बहुती माया दित्ती होवे तां उस नूं पा के हंकारी भी नहीं हो जांदा, बल्कि उस माया नाल लोड़वंदा दी मदद करदा है। माया कोई भैड़ी चीज नहीं, जे इस नूं सही तरीके नाल वरत्या जावे, जे इस नूं चंगे पासे ला दियो, पुन दान वाले पासे ला दियो, गरीबां लोड़वंदा दी मदद ते लगा दियो तां भला है। जे इधर नहीं लाओगे तां मुकदमियां अते कचहरियां जां डाक्टरां अते बीमारियां ते लग जावेगी। चंगे पासे लगाई माया दरगाह नूं लै जांदी है अते माड़े पासे लगी माया नरकां दा मुंह दिखांदी है। माया दी पकड़ तों कोई विरले ही गुरु दी कृपा नाल बच के निकलदे हन, नहीं तां माया दी पकड़ तां ऐसी है कि हजारां खट्टण तों बाद बंदा लखां खट्टण दे मगर दौड़दा है, लखां खट्टण तों बाद करोड़ां खट्टण दी दौड़ लग जांदी है। भाव के तृप्ति तां हुंदी ही नहीं, राज तां आउंदा ही नहीं। गुरु साहिब वी बाणी विच कह रहे हन, सहस कटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। साडी अज दी इक सेठ दी साखी तों वी इही सेध मिलदी है। इक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तों पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। महापुरश एक गाथा सुनाउंदे सन। कोई सेठ सी अपने मनीम नूं एक दिन पुछण लगा कि मेरे कोल कितनी कमाया है। मनीम कहण लगा कि तुहाडे कोल इतनी माया इकट्ठी हो चुकी है कि तुहाडियां 10 कुश्तां वेलियां बैठ के खा सकदियां हन। सेठ ने रोना शुरू कर दिता। मनीम कहण लगा, सेठ जी तुसीं क्यों रो रहे हो, तुहाडे कोल कोई माया दी कमी नहीं है। शायद तुसीं मेरी गल नूं ठीक तरह समझ नहीं पाए। तुहाडे कोल इन्नी माया है कि तुहाडे जान तों बाद तुहाडे पुत्तर पोतरे पड़ पोतरे अगों 10 पुश्तां तक उस माया नाल सुख भोगणगे। सेठ कहण लगा, मैं तां इह सोच के रो रहा हां कि 10 पुश्तां दा गुजारा तां चल जावेगा, पर मेरी 11वीं पुश्त दा की बनेगा। हुण मनीम सियाणा सी, समझदार सी, कहण लगा, सेठ जी तुसी रोवो ना, मैं तुहानूं रोंदिया नहीं वेख सकदा। मैं एक बहुत ही सच्चे संतां नूं जानदा हां। असीं कुछ आटा दाल चावल लै के उन्हां कोल चलदे हां अते इह चीजां रसद उन्हां नूं दान पुन करके उन्हां नूं बेनती करांगे कि तुहाडी माया विच होर प्रगट होण लई निरंकार अगे जोधड़ी करन, तां कि तुहाडी 11वीं पुश्त लई वी माया इकट्ठी हो सके। सेठ मनीम दी गल सुन के बड़ा खुश होया अते समान लै के उसे वेले संतां दे घर वल तुर पए। ओह संत सच्चे सन, कोई भेखी नहीं सन, माया दी पकड़ तों उपर सन। संतां ने सेठ नूं अपने घर दे बाहर वेड़े विच बिठाया अते उन्हां दे आउण दा कारण पुछया। सेठ ने दस्या कि असीं तुहानूं दान पुन करन लई दाल चावल आटा लै के आए हां। ओह सच्चे संत कहण लगे, तुसी बैठो, मैं अपनी घरवाली नूं पुछ के दसदा हां। अज रात दे प्रसादे वास्ते राशन है जां नहीं। जद सच्चे संतां ने अपनी पत्नी नूं घर दी रसद दी पोजीशन पुछी तां उसने दस्या कि अज दे गुजारे लई तां है। ओह संत वेखो किन्ने संतोखी सन। सेठ नूं कहण लगे, सेठ जी माफी देनी, मेरे घर विच अज दी लोड़ मुताबक राशन है, इस लई तुसी इह किसे होर जरूरतमंद नूं दान कर दिओ। सेठ कहण लगा, संत जी अज लई है ते कल की करोगे, इह समान रख लवो, कल काम आ जावेगा।
संत जी जिन्ना उत्ते मालिक दी कृपा सी कहन लगे जिस मालिक ने मैनू अज वास्ते रोजी दिती है कल भी ओह आप ही प्रबंध करेगा। सेठ नू सोझी आ गई अते कहन लगा मैं किन्ना मूर्ख हाँ, मेरे कोल 10 पुस्तां लई माया है अते मैनू 11वीं पुस्त दी चिंता सता रही है। धन हन इह संत जिन्ना नू अपने कल दी भी कोई फिकर नहीं। इह पक्की गल है जिस दी इह पकड़ निकल जावेगी उस कोल जे ज्यादा माया आ जावे तां उस नू फिकर लग जांदी है कि इस माया दा की करां। कई कह दिंदे हन असी तां गृहस्थी हां, सानू केड़ियां संगतां वलों माया आउणी है, असी तां माया नाल अपना परिवार चलाउणा है, असी गृहस्थ विच रहिंदे होए माया विच रहिंदे होए इन्हां दी पकड़ तों निर्लेप रहना है। सतगुरु जी भी सानू इही उपदेश करदे हन विच्चे ग्रह सदा रहै उदासी ज्यों कमल रहै विच पानी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।